नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ बीमारियों का इलाज साधारण तरह से हो जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज या तो असंभव होता है या बड़ी मुश्किल से होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी एक रेयर लाइलाज बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें शरीर में RBC, WBC और प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होने लग जाता है, या यूं कहें कि शरीर में रक्त बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण मरीज को बार बार ब्लड व प्लेटलेट काउंट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इस बीमारी का एक ही इलाज संभव है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं, जिसका खर्च काफी ज्यादा होने के कारण किसी भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति को इसे करवाने से पहले काफी बार सोचना पड़ता है। दोस्तों, आज हम अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित एक पेशेंट मनस्वी अहिरे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने बैंगलोर और दिल्ली जैसी बड़ी जगहों पर इलाज करवाने के बाद आराम न मिलने पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और आज वे स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आइए मिलते हैं मनस्वी अहिरे और उनके परिवार से और जानते हैं मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की अप्लास्टिक एनीमिया पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। एवरीवन, माय नेम इज मनस्वी अहिरे, आई एम फ्रॉम इंदौर एमपी। आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 and on November 2015, I diagnosed with aplastic anemia, a type of blood disorder. And that time, me and my parents doesn't even know the meaning of aplastic anemia. So my parents took me to CMC Velo. There we met Dr. Vikram Mathew. He suggested us the treatment of bone marrow transplant, but half of my HLA matched with my parents, so we returned to Indore. Then my parents took me to Gurgaon. There we met Dr. S.P. Yadav. He suggested us the treatment of ATG, so we have taken it, but the response was nothing. So the last option was bone marrow transplant. So we found Dr. Arpit Chopra on internet. He started his modern homeopathic therapy, and after some time I started to recover, and now I am fully healthy. I don't have the words to thank Dr. Arpit Chopra. Thank you.